नमस्कार मित्रों, आज हम आपको झारखंड के ऐसे प्राकृतिक छठा स्थल लिए चलते हैं जहां से गर्म पानी निकलते रहता है। तो आइए चलते हैं। झारखंड राज्य के लातेहार जिला मुख्यालय से 11 किलोमीटर दूर जारम गांव के नजदीक सुकरी नदी किनारे ताता पानी गर्म जल स्रोत है, जहां से जाने के रास्ते दुर्गम नजर आ रहे हैं। आप यहां यदि जाना चाहते हैं तो आप टू व्हीलर से ही जा सकते हैं, फोर व्हीलर से जाने का रास्ता नहीं है। यह क्षेत्र घने जंगलों, पहाड़ों और नदियों से ढका हुआ है, जहां जाने का रास्ता आप देख रहे हैं वो भी पक्की नहीं है। नदी है, नदी में भी किसी प्रकार का पुल निर्माण नहीं है, ये नदी पार करके आपको जाना होगा। इस महिला से जब मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि इस नदी को पार करने के बाद आप ताता पानी पहुंच सकते हैं। रास्ते दुर्गम हैं, नदी को क्रॉस करते हुए कठिन रास्ते तय करके हम लोग ताता पानी पहुंच चुके हैं। आप ये प्राकृतिक छटा देख रहे हैं, कितना मनोरम दृश्य है। और इस दृश्य में हमारी सारी थकान दूर हो गई है। जारम गांव के नज़दीक सुकारी नदी किनारे ताता पानी का गर्म जल स्रोत यह देख रहे हैं। यहाँ बच्चे स्नान करते हुए इस गर्म जल स्रोत में गर्म जल का आनंद उठाते हुए यहाँ के स्थानीय लोग, आइए हम भी इस गर्म जल स्रोत का आनंद उठाते हैं। नदी के किनारे गर्म पानी निकलता रहता है, इन गर्म पानी में किसी प्रकार का किसी भी तरह का मिलावट नहीं है, ये पूरी तरह से नेचुरल है। भारत में ऐसे कई जगह मौजूद हैं जहां गर्म पानी निकलता है। यदि हम झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड में गर्म जल स्रोत के अनेक स्रोत हैं, जैसे ताता पानी लातेहार, बलबल द्वारी, चतरा, सूर्य कुंड, हजारीबाग, पाकुड़, दुमका, ततुलिया, धनबाद इत्यादि हमारे गर्म जल स्रोत के झारखंड में उपलब्ध हैं। लेकिन आज हम आपको ताता पानी लातेहार का गर्म जल स्रोत के बारे में विस्तृत जानकारी बताने वाले हैं। आप यह पानी को देख रहे हैं, यह पानी गर्म है, यह बहुत ही गर्म है। लोग ऐसा कहते हैं कि गर्मियों के दिनों में यहाँ अंडे उबल जाते हैं, चावल भी पक जाते हैं। लेकिन आज हम ठंडे के मौसम में आए हैं तो इतना आरामदेह है, लेकिन फिर भी बहुत ही गर्म पानी है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ के पानी में चमत्कारी गुण है जो दर्द, थकान और तनाव से राहत प्रदान करता है। यहाँ पानी के जो जल स्रोत हैं वहाँ अक्सर बुलबुले निकलते रहते हैं। लोग कहते हैं कि यह पानी खौल रहा है, लेकिन खौलता नहीं है, अंदर से बुलबुला निकलते रहता है, अर्थात पानी का स्रोत निकल रहा है। आप ये देख रहे हैं पानी में भाप निकल रहा है, भाप बराबर आपको निकलते हुए दिखाई देगा। यहाँ का पानी गर्म है, आप देख रहे हैं ये बुलबुले किस प्रकार निकल रहे हैं। हमारे सहयोगी मनोज कुमार जी भी इस गर्म पानी का आनंद उठा रहे हैं और यह कह रहे हैं कि हमारी जो थकान है यहाँ पहुँचने के बाद सारी थकान दूर हो चुकी है।
सचमुच यह बहुत ही आनंददायक स्थल है, बहुत ही मनोरम दृश्य है। सरकार को ऐसे पर्यटक स्थल को बढ़ावा देना चाहिए। सरकार के उदासीनता के कारण यह पर्यटक स्थल, यह मनोरम दृश्य लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। यह सिर्फ स्थानीय लोगों तक ही सीमित रह गया है। जो आसपास के लोग जानते हैं, यह दुर्गम रास्ते तय करके यहां प्रकृति का आनंद उठाने जरूर आते हैं, लेकिन दूर दराज के पर्यटक यहां नहीं पहुंच पाते हैं। सरकार को इस पर्यटक स्थल तक पहुँचाने के लिए यातायात साधन बहुत ही जरूरी है, ताकि यहाँ पर्यटक क्षेत्र के रूप में विकसित हो सके। ताता पानी गर्म जल स्रोत हिमाचल प्रदेश में भी स्थित है। यहाँ की सरकार पर्यटक के रूप में विकसित किया है, जिस कारण सालों भर सैलानियों की भीड़ लगी रहती है। और एक झारखंड का ताता पानी जल स्रोत है, जहाँ आने जाने के दुर्गम मार्ग हैं, किसी प्रकार की यातायात का उचित व्यवस्था नहीं है। झारखंड में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं, किंतु सरकार की उदासीनता के कारण यह स्थल पुस्तकों में ही सीमित रह गई है। चलिए मैं आपको बताता हूं कि आखिर यह गर्म पानी क्यों गर्म निकलता है, चारों ओर ठंडे पानी के बीच में गर्म पानी क्यों निकलता है, आखिर इसका भौगोलिक कारण क्या है। मित्रों, पृथ्वी के सतह के नीचे मैग्मा चट्टान का पिघला हुआ रूप है। यह मैग्मा लगभग 8,01,300 डिग्री सेल्सियस पर पृथ्वी के विभिन्न परतों से घिरा हुआ है। यदि पृथ्वी की परतों से ये गलती से फट जाता है, तो जबरदस्त मात्रा में मैग्मा से आसपास के चट्टानों में स्थानांतरित हो जाता है, जिसके बाद वहां मौजूद पानी का तापमान बढ़ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पानी हमेशा गर्म रहता है। यही कारण है कि इन क्षेत्रों में या गर्म जल स्रोत क्षेत्रों में पानी हमेशा गर्म निकलता रहता है। मित्रों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करेंगे तो आप हमारे नए नए वीडियो आप इस चैनल पर देख सकते हैं। अगली वीडियो में फिर हम ऐसी ही जानकारी लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अलविदा। जोहार जोहार झारखंड।